सही मिलता होगा। ये है हमारे ट्रैकर देवेश, जो कि लेट चुके हैं। और आगे आप व्यू देखिए आप लोग, और यह है देवो कुंवर। आज का ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं हम। यह है मैकलोडगंज का टैक्सी स्टेशन, आगे देवेश चल रहा है और आज जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। तो टैक्सी कर लिए यहाँ से, गरुड़ टेम्पल है या गलू टेम्पल है वहाँ के, 500 रुपीज़ लगते हैं, फिर वहाँ से कैंपिंग स्टार्ट होती है। तो वहीं पहुँच के मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों अब ट्रैक शुरू कर दिया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ से 6 किलोमीटर बता रहे हैं। और अब चलते हैं, यहाँ पर कोई दुकानें थी, पानी वानी ले लिया है, यह रास्ता मिलते हैं आपको आगे। अभी थोड़ा आगे तक आ गए हैं और आप देख सकते हैं देवेश आ रहा है पीछे से, 1.5-2 किलोमीटर समथिंग चल गए हैं। और ये रहा रास्ता आगे का, ट्रिउंड ट्रैक में जा रहे हैं हम। देखिए क्या व्यू है पहाड़ों का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम ट्रैक के आधे से थोड़ा सा और नीचे, मतलब हाफ वे तक पहुंचने वाले हैं। आगे जो वहाँ पर को आपको दुकानें दिख रही है, बस इसी के पीछे है जहाँ हमने जाना है। लगभग लग रहा 2.5 किलोमीटर हम आ चुके होंगे। अब आपको जैसे जैसे हम जा रहे हैं आपको भी दिखाते रहते हैं, हल्के हल्के स्टेप लेके हम भी चल रहे हैं और आपको भी ले चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं फिर तीनों का ट्रैक। क्या कहना चाहोगे देवेश, कैसा लग रहा है? बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है। डिफिकल्ट तो है यार, यंगस्टर्स के लिए है, लेकिन यह है कि अब ज़्यादा एज वालों के लिए नहीं है पॉसिबल। थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं हम कैसा है आगे को, ये रहा रास्ता। तो आप ही देख सकते हैं सामने दिख रहा है मैकलोडगंज, और अभी आधा पूरा हो चुका है ट्रैक, 3.5 किलोमीटर से ऊपर हो गया है। अभी और इतना जाना है, देख सकते हैं आप नीचे को। और इस वक्त अभी हम रुके हैं यहाँ पर, कुछ 3-4 दुकानें हैं, जैसे आपको मैगी खानी है, जूस पीना है, बिस्कुट यहाँ पर से आप ले सकते हैं। देख सकते हैं सबने यहाँ पर को ब्रेक लिया हुआ है, तो हम भी थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर और कुछ खाते हैं, एनर्जी ड्रिंक टाइप का कुछ लेते हैं और फिर चलते हैं आगे को और ट्रैक स्टार्ट करते हैं दोबारा। आप लोग देख सकते हैं पूरा रास्ता बर्फ़ का है, ऊपर जाने तक पूरी बर्फ ही बर्फ है। तो इसी बर्फ से चढ़ के जाना है, थोड़ा सा ही दूर आधा किलोमीटर। और देवेश का कोई अता पता नहीं है, आ गया ये तय देवेश से कि कैसा लग रहा है ब्रो। बहुत टफ है और पूरा देख सकते हैं आप, अब इससे ऊपर मेरे ख्याल से सब बर्फ ही बर्फ है, सारी बर्फ है। इन शूज में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्केट कर रहे हैं, ना डंडा लिया ना कोई स्टिक लिया, फिर भी देखते हैं। ये देख रही देख सकते हैं आप, पूरा ऐसा है रास्ता यहाँ से, अब ऐसी है ऊपर ट्रैक तक। अब चलते हैं और वहीं पर मिलते हैं आपको पहुँच के। आप देख सकते हैं देवेश वहाँ पर अटक गया है, आ रहा है अब, उसके लिए वेट कर रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा फिसलन है यहाँ। तो बस हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाना है बस, जो ऊपर को मैं उंगली लगा के आपको दिखा रहा हूं, लेकिन जो लास्ट के 2-2.5 किलोमीटर है उसमें पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं नीचे को, ये बहुत हालत ख़राब हुई है यहां पर को। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ट्रेन ट्रैक के, आप भी देखिए अगर आपको देख रहे हैं देवेश की हालत कैसी होगी, ये तो यू कैन सी, ये है आपका ट्रिउंड ट्रैक। वाह,
अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोग को। तो हम पहुंच गए हैं और पहले आज इंग्लैंड की टीम भी ट्रैक कर रही थी, लेकिन उनका कुछ कोचिंग स्टाफ और एक दो प्लेयर भी आए हुए हैं यहाँ पर। को आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा इस वक्त, बहुत ही अद्भुत है। मतलब यहाँ पहुँच के वर्थ इट है ये आना। और एक दुकान भी यहाँ पर, तो कुछ खाते हैं और फिर आपको बताते हैं। आप देखिए यहाँ पर सब लोग अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं, कोई उधर को गया है, वो देख सकते हैं। देवेश भी थक के बैठ गया है थोड़ी देर, और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। मतलब बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पहुँच के आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। तो हम आगे का दिखाते हैं आपको और व्यू भी। ओह माय गॉड, क्या व्यू है यार। हाय हाय हाय, तो दोस्तों ये जो आगे है रेस्टोरेंट, यहाँ पर से भी लिया है राजमा जावत, जो कि एक पड़ रहा है 150 रुपये का। इसको खाते हैं और आप तब तक व्यू एंजॉय करिए। दोस्तों इस वक्त अभी हमें यून ट्रैक पे और यहाँ पहुँच के अभी जैसे हमने दिखाया आपको राजमा चावल खाएँ, और आप देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, बहुत ही मतलब आँखों को सुकून देने वाली जगह है। सामने जो आप देख रहे हैं धौलाधार रेंज कहते हैं इसको, और आप लोग इंजॉय करिए। और बढ़िया है, हर कोई आया हुआ है इंजॉय कर रहा है। ट्रैकिंग काफ़ी टफ है लेकिन, और सही भी है, ज़्यादा इतना भी नहीं है कि ओवर हो गई हो, सही है बाकी। तो दोस्तों इस वक्त अभी हमें ट्रेंड में आ चुके हैं हम, जो कि ट्रैक है, काफ़ी फेमस ट्रैक है। अगर आप धर्मशाला मैक्लोडगंज से घूमने आते हैं तो यहाँ आना तो मस्ट है। मतलब मुझे लगता है यहीं आने के हैं जो है, एक तो क्रिकेट स्टेडियम हो गया और दूसरा ये तो आप कभी मिस नहीं कर सकते। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सुबह जब चले थे मैक्लोडगंज से, तो हमने 500 रुपये की टैक्सी की टेम्पल तक। फिर टेम्पल में हम करेक्ट 11 बजे चढ़े और करेक्ट हम यहाँ 1:20 या 1:25 में पहुँच गए थे, जबकि हम रुकते रुकाते आए। लेकिन हम थोड़ा आदत है चलने की, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो बहुत है, लेकिन फिर भी चढ़ गए। और आप देख सकते हैं सामने धौलाधार रेंज कितना बढ़िया लग रही है, आप लोग एंजॉय करिए ये व्यू को। तो आप देख सकते हैं अभी हम ये पूरा यहाँ पर तक गए थे, आगे तक पूरा एरिया है यहाँ पर, करीबन 1-1.5 किलोमीटर तक आप घूम सकते हैं। अब यहाँ के लिए आगे के लिए भी रास्ते हैं, आगे के लिए भी ट्रैक है काफ़ी। और यहाँ पर कुछ 2-3 दुकानें हैं, आप कुछ खा भी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, राजमा चावल है, और अच्छा है। मतलब नीचे से लाते हैं सामान और यहाँ पर बेचते हैं। और ये मंदिर भी है, नीचे दुकान है, और टेंट भी लगते हैं यहाँ पर, अलग अलग रेट हैं, 500 रुपये एक दिन का। तो अगर आप लोग टेंट में भी रुकना चाहते हैं तो वो है। बाकी ये देखिए इसकी जो हाइट है 2875 है, और काफ़ी अच्छा है। टेंट के अलग अलग रेट हैं और फूड आपको मिल जाता है। जो ऊपर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पर को 2 बिल्डिंग है, ये यहाँ पर बताया गया है कि रेस्ट हाउस है। तो सही है, यहाँ पर आप अपना आके 2-3 घंटे इंजॉय कर सकते हैं, एक दिन में भी आना जाना हो सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर टेंट लेके रुकते हैं तो वो भी यहाँ पर को है अवेलेबल, 500 रुपये एक दिन के लेते हैं। तो ओवरऑल बढ़िया है यहाँ पर, ये देखिए नीचे यहाँ पर को जो जहाँ से हम आए हैं नीचे, धर्मशाला मैक्लोडगंज दिख रहा है। तो अब चलते हैं वापस और दिखाते हैं नीचे जाते हुए आपको रास्ता। और यहाँ पर को देवेश कैसा हो रहा है उतरते वक्त, हैं फिसल रहे हैं काफ़ी, देख सकते हैं आप कितनी बर्फ़ है यहाँ पे। और अभी हम नीचे को वापस जा रहे हैं आज, जैसे कि आप देख सकते हैं लोग अभी भी आ रहे हैं, और लोग चलते हैं नीचे को।
हम आ गए नीचे, पूरी 1 किलोमीटर की बर्फ है। जब आप डाउन में आते हो तो बहुत ऊपर जाते वक्त उतना नहीं है लगता, हल्के हल्के स्टेप में जा सकते हो, नीचे आते वक्त बहुत डिफिकल्ट है और बहुत खतरनाक ट्रैक है। 1 किलोमीटर का तो भयंकर ट्रैक है। अब चलते हैं नीचे, वो मिलते हैं आपको। तो हम नीचे आते वक्त ये दुकान मिली है, कुछ लेते हैं हल्का सा, कुछ नाश्ता टाइप का करते हैं, फिर जाएंगे नीचे को। और आ ही गए हम, थोड़ा नीचे आते वक्त थोड़ा डाउन है लेकिन फिसलन बहुत थी, जैसे तैसे पहुंच गए। भैया से मैगी बनाते हैं, मैगी खा के फिर चलते हैं आगे को। दोस्तों ये ट्रैक अब 1.5-2 किलोमीटर और नीचे जाना है हमने, और 5 बजने वाले हैं। तो सुबह 11 बजे हम निकले थे जाके घूम के, क्योंकि उनका ये ट्रैक बहुत बढ़िया रहा और जो जो दिखा सकता था मैंने आपको सब दिखाया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे को जो है ये पूरा धर्मशाला का स्टेडियम भी दिख रहा है, उधर साइड को अगर आप आओगे तो मैक्रोजन भी दिखता है एक जगह से। तो यही था, आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना, ऊपर जो आपको हमने नज़ारे दिखाए। तो आप नीचे चलते हैं और फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। देख सकते हैं आप जहाँ से हम ऊपर आए थे यहीं से अभी नीचे को जाएंगे। ये है ऊपर और नीचे आने जाने का रास्ता, जिसमें 2 दुकानें पड़ती हैं बीच में इसके। आप जहाँ पर हमने मैगी और चाय पी, और एक नीचे है मैजिक व्यू करके, जूस पानी लस्सी सब मिलता है, तो आप कैरी करके ले सकते हैं। बस अब थोड़ा ही बचा है, 3-3.5 किलोमीटर तक लगभग आ गए हैं, 3 किलोमीटर और जाना है अभी। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में नीचे। मिडिल पॉइंट पे था जो जब जाते वक्त दिखाया था, यहाँ पर वो पहुँच गया और वहाँ से हम आ रहे हैं। अब जाते हैं नीचे को, मिलते हैं नीचे। सब कैफे वैफे हैं, 2-3 दुकानें हैं जो, और अब ठंडा बहुत बढ़ गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे पूरा धर्मशाला मैक्लोडगंज दिख रहा है, और ये रास्ता। हम मिलते हैं आगे। भाई देवेश तुझे बहुत थकान लग गई सेम डे ऊपर जाना और आना, सेम डे हाइक थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अच्छी भी है, थोड़ा मतलब अगर आप बर्फ़ की अगर ना हो तो थोड़ा लगता है मुझे। और बाकी आप लोग देख सकते हैं ये है वो रास्ता जहाँ से सुबह गए थे, वो पहाड़ी के पीछे गए थे हम। और ये देख सकते हैं आप मेरे नीचे मैक्लोडगंज है, उसके नीचे जो दिख रहा है वो धर्मशाला है। ये देख सकते हैं आप पूरा नीचे पहुँच ही गए हैं। नीचे पहुँचते पहुँचते शाम ही हो गई है, लेकिन बहुत मज़ा आया। जो ऊपर ट्रैक में आपने भी देखा होगा ब्लॉग में, कैसा लगा आप लोग को ये ज़रूर बताना। नीचे टेम्पल पर पहुँचते हैं और फिर एंड करते हैं आज का ब्लॉग। जो मुझे लगता है क्योंकि हम परसों यहाँ गए थे, जो जा रहा है यहाँ पर को बागसानू वाटरफॉल भी है, तो मुझे लगता है ये धर्मकोट वाला इलाका है। धर्मकोट जो ये दिख रहा है ये धर्मकोट है, मैक्लोडगंज है वो, तो लास्ट में दिख रहा है वो मैक्लोडगंज है, ये धर्मकोट है, ये बागसानू है और वो धर्मशाला है। क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया। आपने भी हमारे ये हिमाचल के ब्लॉग आप लोग को कैसे लगे? मैच का ब्लॉग दिखाया आपको, वाटरफॉल का, नड्डी का, डल हाउस का, और आज जो मेन था त्यून का। तो इसी के साथ हिमाचल के हमारे व्लॉग भी जो हैं कैसे लगे आप लोग को ज़रूर बताना। और अब चलते हैं नीचे और फिर मिलते हैं और आज का व्लॉग करते हैं एंड। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं, तो जो टेंपल बता रहा था वो है गलू टेंपल कहते हैं इसे यहाँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? पूरा गला बैठ गया है, चेहरा वो हो गया है, थक गया है थोड़ा। और अब चलते हैं सीधे मैक्लोडगंज को और मिलते हैं आपको एक नई जगह। बस हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, ये